खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और फरवरी की तारीख है 11। आज सरसों में हल्का सा सुधार केवल एक स्टेशन पे देखने को मिला है और वो है भरतपुर की मंडी। भरतपुर की मंडी में आज 5713 रुपये यानी कल से 100-125 रुपये बाजार तेज खुला है, लेकिन दूसरी सभी मंडियों के अंदर भाव लगभग स्टेबल ही है। कहीं 10-20 रुपये का शायद कोई फर्क हो तो हो, इससे ज्यादा का कहीं बदलाव नहीं है। सरसों तेल के दाम भी लगभग कल वाले ही हैं, कल जो भाव थे उसी भाव पर आज सरसों तेल का कारोबार हो रहा है। आवकों में भी कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, वही 3.5-3 लाख बोरी का जो आवक है वो हो रही है, उसमें पुरानी और नई सरसों दोनों प्रकार की हैं। लेकिन अब नई सरसों की आवक स्पीड से बढ़ेगी और सरसों की कीमतों पर दबाव आने की प्रबल संभावना बनेगी। सरसों तेल में भी कीमतें और कम हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जैसे ही आवकें ये 3 से डबल होंगी, 6 लाख की बोरी की प्रतिदिन की आवक बनेगी, तब उसके पास जाकर के बाजार को टूटने की संभावना में दिखाई देगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, सरसों का जो MSP है 5450 रुपये, इससे बाजार नीचे ना जाए। इसके लिए कंडीशन एक ही है कि सरकार को कुछ 25-30-40 लाख टन सरसों खरीदना चाहिए। पिछले 2 साल से सरकार के खजाने में, सरकार के किसी एजेंसी के पास और किसी भंडारण में एक दाना सरसों का नहीं खरीदा गया है। सरकार जो गरीब लोगों को, असहाय लोगों को जो सरसों तेल की पैकिंग उपलब्ध करवाती थी, वो भी 2 साल से बंद है। उनके खाते में नगद जो राशि है वो ट्रांसफ़र की जा रही है। हालांकि कल राजस्थान सरकार ने अपने बजट के अंदर 1 लीटर तेल, जो फूड पैक उनका एक सिस्टम है, एक योजना है गरीब लोगों के लिए, फूड पैक के अंदर एक किलो सरसों तेल को शामिल किया गया है। इससे कोई ज़्यादा फर्क बाजार के ऊपर पड़ने वाला नहीं है और सरकारी जब तक खरीद नहीं होती तब तक बाजार में सुधार की संभावना नहीं बनेगी। जैसे जैसे आवकें बढ़ेगी सरसों का बाजार कुछ कमज़ोर होगा। ये हो सकता है कि एक आध दिन के अंदर जो पाम तेल का जो निर्यात आयात हम करते हैं या दूसरे सोया सूरजमुखी तेल का आयात करते हैं, इन आयात तेलों पर सरकार कुछ कदम उठाए। सरकार कुछ कदम उठाएगी तो उस पर टैक्स बढ़ाएगी, तभी थोड़ी बहुत बाजार की उठने की उम्मीद बनेगी। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल काम है। इस पूरे साल ही तेल तिलहन के कारोबार को बहुत गहरा नुकसान हुआ है, बहुत गहरा घाटा लगा है। और अभी सरकार एक तरफ कह रही है कि तेल तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है देश को, तो आत्मनिर्भर कैसे बनाओगे जब किसान को उसका पूरा भाव नहीं मिलेगा फसल का, तो वो आगे जो फसल है उसमें रुचि कम लेगा। जैसे इस बार गेहूं के दाम अच्छे मिले तो गेहूं की कीमतें भी अच्छी रहीं और गेहूं की जो एरिया है वो भी बढ़ रहा है। बस खतरा एक ही है कि तापमान ठीक रहे तो शायद गेहूं के उत्पादन पे कोई असर ना पड़े और गेहूं का उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन जिस ढंग से तापमान बढ़ रहा है उससे गेहूं की फसल को भी खतरा बना हुआ है। कई साथियों ने कल कमेंट्स में पूछा कि ग्वार के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। ग्वार के बारे में स्थिति ये है कि हाजिर जो बाजार है, हाजिर मंडियां जिसको बोलते हैं, वहां पर बाजार 55-56 सौ रुपये के आसपास कारोबार दिखा रहा है। 12-13 हजार बोरी की आवक रह गई है, लेकिन कुछ पुराना जो ग्वार है वो भी निकल करके आ रहा है। परचेजिंग अच्छी चल रही है, डिमांड अच्छी है, लेकिन जो फरवरी का जो निर्यात डाटा है वो भी 32 या 30 हजार टन के आसपास रहने का अनुमान है। कल चांडक जी से भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी बताया था कि 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर बाजार 300-400 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक सुधरना चाहिए। इस जो लेवल पे अब कारोबार हो रहा है, यानी जो 55-56 सौ रुपये का सीड का जो भाव हाजिर मंडियों में चल रहा है, इससे ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं है। बाजार धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद है। कॉटन बाजार भी स्टेबल है, नरमा कपास के भाव वही खड़े हैं, 8200-8300 रुपये हरियाणा पंजाब की मंडियों में, राजस्थान की मंडियों में, और गुजरात के अंदर 1600 से लेकर के 1690 रुपये तक का भाव है 20 किलो में, और 8100 रुपये तक का भाव है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी लगभग यही भाव है। इनमें भी भाव तभी सुधरेगा जब चाइना समेत और अन्य देशों की जो मांग है वो निकलनी चाहिए। रुई का जब तक लेवल नहीं सुधरता, रुई की डिमांड नहीं आती। इस बार वैसे कॉटन इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान में दिखाई दे रही है और उनके वजूद पर भी संकट बना हुआ है।
आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव खुला है 5713 रुपए, जयपुर कल के भाव पर स्टेबल है 5975 रुपए, सलोनी ने आज फिर 100 रुपए का भाव बढ़ाया है, 6450 से लेकर के 6550 रुपए हो गया है। अलवर 5750, सुमेरपुर 5670, कोटा 5550, बीकानेर 5600 रुपए, दिल्ली 5950, ग्वालियर 5450, मुरैना 5350, अलीगढ़ 5300, नडवई 5713, गंगापुर 5640, दादरी 5800, एलनाबाद में आज सरसों का भाव रहा 5602, रायसिंह नगर 5440, अबोहर 5290, सिरसा 5701, आदमपुर मंडी 5565, गोलूवाला 5225, गंगानगर 5669 रुपए। आज गोलूवाला मंडी में नरमा बिका है 8225 रुपए, आदमपुर 8155, सिरसा 8165, पीलीबंगा 8301, श्री विजय नगर 8230, अबोहर मंडी 8050, रावतसर 8405, रायसिंह नगर 8281, संगरिया 8152 और अल्लाहाबाद में नरमे का भाव रहा 8092 रुपए। अल्लाहाबाद में ग्वार बिका है 5400 रुपए, रायसिंह नगर में 5601 रुपए, अबोहर में 5295 रुपए, श्री विजय नगर में 5624 रुपए, सिरसा में 5547, आदमपुर में 5542 और गोलूवाला में 5461। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।